गुड मॉर्निंग चाइल्ड, आज हम हिंदी में सीखेंगे आम की टोकरी। तो ये एक पोएम है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आम की टोकरी कौन लेके आया है। तो पहली लाइन है, 6 साल की छोकरी, एक छोटी सी लड़की है, उसकी उम्र कितनी है, 6 साल, भरकर लाई टोकरी। वो भरकर क्या लाई है, टोकरी, यानी कि जो बास्केट जैसा होता है ना, वो टोकरी में आम है। टोकरी में क्या है, आम है, नहीं बताती दाम है। टोकरी में आम तो है लेकिन उसकी क्या कीमत है वो नहीं बताती है। दिखा दिखा कर टोकरी सबको दिखाती है, आओ ये आम देखो ले लो। हमें बुलाती छोकरी सबको क्या लेने के लिए बुलाती है, आम। हमको देती आम है और जिसको बुलाती है उसको वो आम भी दे देती है। नहीं बताती, क्या नहीं बताती है, वो आम के दाम नहीं बताती है। हमें तो देती आम है और सबको आम दे देती है। नहीं बुलाती नाम है, उसका नाम भी नहीं बताती है। नाम नहीं अब पूछना, हमको उसका नाम भी अब नहीं पूछना है। हमें आम ही चूसना है। आम हमको क्या करना है, चूसना है, यानी कि खाना है। तो यह कविता में आम की टोकरी सिर पे रखे हुए एक लड़की आम बेचती है। वह कितने साल की है, वह 6 साल की बच्ची है। इस पोएम में 6 साल की बच्ची के मनोभाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस कविता के कवि रामकृष्ण शर्मा है। कवि कहता है कि 6 साल की बच्ची टोकरी में आम रखकर बेच रही है किंतु उनका दाम नहीं बताती है, यानी कि उनकी क्या कीमत है वो नहीं बताती है। वह आम से भरी टोकरी सबको दिखा दिखा कर अपने पास बुला रही है। वह लड़की सबको आम तो दे देती है लेकिन क्या करती है, उसका नाम नहीं बताती है। कवि कहता है कि अब हमें उस बच्चे का नाम नहीं पूछना है, अब तो हमें केवल उसके रसीले आम ही चूसना है, यानी कि आम ही हमको खाना है। तो ये थी हमारी आज की पोएम आम की टोकरी। थैंक यू।